ज्या राज्यात मुलींना जास्त घराबाहेर पडण्याची परवानगी दिली जात नाही त्याच राज्यातील म्हणजेच जम्मू काश्मीर मधील हे सगळे चेहरे आहेत. जिद्द चिकाटी आणि अनेकांचा विरोध पत्करून क्रिकेट खेळण्यासाठी पुढे सरसावल्या अनंतनाग या शहरातील या सगळ्या मुली आहेत. खुशबू आणि रौनक दोघींचाही क्रिकेटचा प्रवास भिन्न आहे आणि तरी देखील या क्रिकेट संघात त्या एकत्र खेळताना दिसतायत. ही आहे खुशबू. नॅशनल खेळून आल्यानंतर हिला अनेकांनी शाबासकी दिली, मात्र नॅशनलला जाईपर्यंतचा तिचा प्रवास तिनं अडचणीत पार केला होता. मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई, जैसे कि मतलब मैं खेलती थी तो उसमें मुझे बहुत सोचना पड़ा कि मैं कैसे खेलूं, जिसकी मतलब मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो मुझे पहले नहीं मिला था. तो मैंने अपना टैलेंट शो किया सबके सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, मतलब जो हमारे साइड से मतलब है, तो उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इसकी वजह से हुई कि मैं आगे जा क्यों रही हूँ. यहाँ की मतलब कुछ लोगों की सोच होती है ऐसे, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा. और हमें स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम अगर हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलती. हम प्रैक्टिस उसी दिन करते हैं जिस दिन लाइक हमारा मैच वगैरह हो, हम उसी दिन प्रैक्टिस करते हैं. सो हमें अगर इंडोर स्टेडियम मिल जाए तो हम इंशाल्लाह साल भर प्रैक्टिस कर सकते हैं. पहले तो उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे, तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था तब मेरा दिल्ली में नेशनल लगा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोच उनकी चेंज होने लगी. मतलब ऐसा लगा कि लड़की आगे बढ़ सकती है. तो उसके बाद मेरे को फुल सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, पूरे गांव का सपोर्ट मिला, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, जिसकी वजह से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ. कश्मीर की लड़कियों को चाहिए कि अगर उनमें टैलेंट है तो वो आगे बढ़ें, क्योंकि हर एक बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. तो और उनके पेरेंट्स को भी मैं यही अपील करती हूँ कि वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सो मैं चाहती हूँ कि कश्मीर की लड़कियाँ आगे बढ़ें. घरात सात बहिणींमध्ये रौनक ही सगळ्यात धाकटी मुलगी, त्यामुळे तिला मुलाप्रमाणे वाढवलं, मुलांच्या क्रिकेटमध्ये तिला जाऊ सुद्धा दिलं. रौनक ही नववीत शिकती आहे. ती सांगते, ज्यावेळेस तुमच्यापाशी तुमच्या घरच्यांचा भक्कम पाठिंबा असतो त्यावेळेस तुम्ही काहीही करू शकता. तीच ही रौनक आज पुण्यात येऊन क्रिकेट खेळतीये. बेसिकली क्रिकेट की शुरुआत पहले तो हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे एंड वी आर सेवन सिस्टर्स. तो ज़्यादा मैं सबसे छोटी हूँ तो उन्होंने मेरे को ही भाई बना दिया एंड लड़कों के साथ ही बचपन से ही खेलती आ रही हूँ क्रिकेट. बट प्रोफेशनली आई स्टार्टेड इन 2017. मैंने 2017 से क्रिकेट स्टार्ट किया एंड उधर से जाके पहले तो थोड़ा देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता क्रिकेट में, क्योंकि गली क्रिकेट एंड नेशनल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है. तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रायल्स स्टार्ट हुई एंड ट्रायल्स जब मैंने दी एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन उसके बाद हुआ था वो मैच हिमाचल में, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा था. तो मैं इतना बताऊंगी कि कश्मीर में जिन लड़कियों के पास टैलेंट है अगर वो अपना टैलेंट शो करती हैं देन उनको बाहर जाने की इजाज़त ज़रूर मिलती है. तो लाइक मी, मैंने अपने घर वालों को अपना टैलेंट दिखाया, आई प्ले क्रिकेट. सो मेरे घर वाले मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं एंड भेजते हैं यहाँ पे. हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं दे थिंक कि मे बी पता नहीं कहाँ जाएंगी क्या जाएंगी, दे आर उनकी सोच है वो. तो कुछ पेरेंट्स की सोच मैटर करती है. तो यार वैसे तो अलाउंस है सब लड़कियों को.
प्रॉब्लम वही है मेन, वहाँ पे विंटर्स होते हैं एंड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। सो अगर वहाँ पे कोई इंडोर होता तो शायद हम वहाँ पे पूरा साल प्रैक्टिस कर पाते। वैसे भी ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं होती, सो उसके लिए हम जम्मू जाते हैं, फिर जम्मू में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जब कश्मीर में विंटर्स होते हैं। वेयर कि बेटा अगर आप इसमें अच्छे हो देन वी आर सपोर्टिंग यू, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है कि कुछ करना है आपको, ऐसे आप खेलोगे फिर छोड़ दोगे, सो दिस इज़ नॉट फेयर, आपको कुछ बन के दिखाना है एंड देन हम आपके साथ हैं हमेशा।